ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 आपके पास ग्राफिक्स इन बेसिक्स, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है आपका जीडब्ल्यू बेसिक का। आपने जितनी भी इससे चैप्टर 5 तक प्रोग्रामिंग की थी वो सिंपल प्रोग्रामिंग थी, उसमें आपको ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं करे थे। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि कोई भी पिक्चर में बनाने वाली चीज हमने, लेकिन पढ़ा है कि जीडब्ल्यू बेसिक जो थी वो एक सीएलआई है आपके पास, कमांड लाइन इंटरफेस की लैंग्वेज है, जिस वजह से, लेकिन ये लैंग्वेज जो है आपको कुछ ग्राफिक्स ड्रॉ करने की परमिशन भी देती है, जिस तरह सर्कल, लाइंस, शार्प एजेस और इस तरह की कुछ कुछ शेप्स, सिर्फ कुछ शेप्स ड्रॉ करने की ना ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये। और ये जो है हमारे पास बेसिक लैंग्वेज में, इसमें हम दो तीन चीजें जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं, अपनी मोड को चेंज किस तरह से करते हैं, कलर किस तरह से चेंज करते हैं, कलर टेबल के बारे में पढ़ेंगे और ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा, सबसे ऊपर आ रही है आपके पास ग्राफिक्स की डेफिनेशन। ग्राफिक क्या है? ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिजाइन और प्रोड्यूस करना, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल जो वर्ड है ये पिक्चर फॉर्म से निकला हुआ है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि पिक्चर फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देना आपके पास क्या कहलाता है? ग्राफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। This facility is provided in almost all the versions of basic language. It is displaying information on screen. Graphic is that area of computer programming which is highly in use these days. It depends on hardware such as input, output and graphic card, color ग्राफिक अडॉप्टर और वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्राफिक्स का एरिया ना बेटा, ये सिर्फ जीडब्ल्यू बेसिक में नहीं, आजकल के भी तो दौर में जो कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें ग्राफिक्स जो है इसकी बहुत डिमांड है और ये काफी हाई लेवल पे आजकल यूज भी हो रहा है आपके पास, ठीक है। और इसका जो आपकी ग्राफिक्स है वो डिपेंड कर रही होती है आपके ग्राफिक कार्ड्स में, जो आपके सीपीयू में यानी सिस्टम यूनिट में जो ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं ये टोटली आपकी ग्राफिक उस पर डिपेंड कर रही होती है। आपने पिक्सल्स और वो इसमें पढ़ते हैं अभी आगे पिक्सल और रेजोल्यूशन के बारे में, तो जितने अच्छे पिक्सल्स होते हैं तो इसका मतलब होता है उतनी अच्छी आपके क्या स्क्रीन की होती है रेजोल्यूशन, उतनी ही अच्छी आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है। तो पिक्सल बेसिकली एक स्मॉल डॉट होता है स्क्रीन पे, जब ज्यादा से ज्यादा डॉट्स उसमें मिलते जाएंगे, जितनी अच्छी उसकी रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी उतनी अच्छा आपको ग्राफिक प्रोवाइड करेगा। और वो रेजोल्यूशन अच्छी किस तरह होगी? जो आपके कलर कार्ड्स या ग्राफिक कार्ड्स जो आपके सिस्टम के साथ अटैच होते हैं उनकी वजह से। वो एक्सटर्नल कार्ड्स होते हैं उनको आप खुद से चेंज भी करवा सकते हैं। वैसे हर आजकल जो ये वाली जो बेसिक आपको आपने इसमें मोड्स पढ़ने वो तो ग्राफिक्स अभी कुछ भी नहीं है, जो अब सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें इतने हाई क्वालिटी ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं कि आपका काम इजीली हो जाता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तब आपको बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपके लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं, यानी जो सिस्टम आपको कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें उस तरह के ग्राफिक कार्ड अटैच होते हैं आपके पास। अब कह रहे हैं योर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिक्सल, लेट द नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिटरमिन द रेजोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो स्क्रीन है ये हंड्रेड ऑफ पिक्सल्स पे कंसिस्ट करती है और यही हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ये पिक्सल्स आपस में मिलकर हमें कोई ना कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब रेजोल्यूशन जो है जीडब्ल्यू बेसिक में वो ग्राफिक मोड्स काफी तरह के हैं और उसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह से वो ग्राफिक मोड्स हमारे पास हैं और काम करते हैं। जो पैराग्राफ है इसमें पिक्सल और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स और इनके बारे में बताया हुआ है, जिस मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको बताया था कि सबसे स्टार्ट पे जो ओरिजिन होता है वो 0 0 होता है, फिर 0 1 99 होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स, ये वो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अब आ जाएं जी ग्राफिक मोड्स के ऊपर। ग्राफिक मोड्स हैं आपके पास, तीन तरह के ग्राफिक मोड्स होते हैं, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। टेक्स्ट मोड जो होता है, जो आम डिफॉल्ट मोड होता है, वो कौन सा मोड होता है? टेक्स्ट मोड होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही सेट होता है, उसको आपको खुद से सेट नहीं करना पड़ता। जबकि मीडियम और हाई रेजोल्यूशन के लिए आगे हमने अभी स्क्रीन स्टेटमेंट पढ़नी है कि जब हमने टेक्स्ट मोड से ग्राफ हम मीडियम या हाई रेजोल्यूशन में जाना है तो किस तरह से हम उस मोड में एंटर होंगे, ठीक है। टेक्स्ट मोड इज यूज्ड ओनली फॉर टेक्सुअल डाटा, यानी ये सिर्फ टेक्सुअल डाटा के लिए होगी, ये कोई ग्राफिक आपको डिस्प्ले नहीं कराएगी, कोई टेक्स्ट की जो आउटपुट होगी सिर्फ वो शो कराने के लिए हम कौन सा मोड यूज करते हैं? टेक्स्ट मोड। इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक टेक्स्ट एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 8 कॉलम्स एंड 25 रोज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट और लाइन सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 80 कॉलम्स होती हैं और 25 रोज होती हैं, यानी इसकी क्वालिटी आपके पास रेजोल्यूशन क्या बन जाती है? 80 मल्टीप्लाई बाय 25। इट हैज 16 कलर्स आउट ऑफ 2 कलर्स पैलेट। अब आगे जो आपने कलर स्टेटमेंट पढ़नी है उसमें था 6.1 टेबल आप लोगों ने याद किया हुआ, उसमें से क्या कहते हैं, इसमें 16 कलर्स हैं और उसमें से सिर्फ 2 कलर्स यूज होते हैं। कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 टू 39 और 79 एंड रोज फ्रॉम 0 टू 2
25. अब आपने पढ़ा है कि रोज कितनी है आपके पास, 30, तो वो 0 से 79 तक. लेकिन 39 का यहाँ पे जिक्र है कि बेटा कुछ ग्राफिक कार्ड्स की ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है. कुछ ग्राफिक कार्ड्स जो होते हैं वो आपको 40 कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 25 रोज प्रेजेंट करते हैं. तो इस वजह से उन्होंने लिखा है कि 0 टू 39 है, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ग्राफिक कार्ड की तो 0 टू 79 तक आपको प्रोवाइड करेंगे. यानी जो लास्ट बेसिक लैंग्वेज तक था तब तक 80 कॉलम्स तक आपको क्वालिटी प्रोवाइड होनी शुरू हो गई हुई थी. ठीक है, इसके बाद आ जाता है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड. अब जब भी आपने स्क्रीन पे जीडब्ल्यू बेसिक में कोई ग्राफिक ड्रॉ करने है तो दो मोड्स यूज होते हैं, एक मीडियम रेजोल्यूशन और एक हाई रेजोल्यूशन मोड. टेक्स्ट मोड में आप ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर सकते. ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड होता है और एक हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड होता है. अब जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है इसको डिवाइड किया गया है 320 कॉलम्स और 200 रोज में. ठीक है, ये क्या करते हैं, 320 कॉलम्स और 200 रोज में डिवाइड हुआ हुआ है. और ये क्या यूज करते हैं, 4 कलर्स यूज करते हैं. ठीक है, 4 कलर्स वो कौन कौन से थे, 0, 1, 2, 3 आउट ऑफ 1 of 16 कलर चूजन फॉर बैकग्राउंड एंड 1 फॉर फोरग्राउंड. बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है, जो आपका पिछले वाला कलर होता है, और फोरग्राउंड कौन सा कलर होगा आपके पास जिससे आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, वो फोरग्राउंड कलर कहलाता है. जिस तरह अभी आपकी स्क्रीन पे आपको ये बुक नजर आ रही है तो इसका बैकग्राउंड कलर आपके पास व्हाइट है और टेक्स्ट ब्लैक से लिखा हुआ है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा, इसका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा. इसके बाद हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है, उसमें भी आप ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं और उसकी क्वालिटी होती है 640 मल्टीप्लाई बाय 200 पिक्सल, यानी मीडियम से ज्यादा बेहतर क्वालिटी होती है. और ये आपको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक 25 लाइंस में 80 करेक्टर्स लिख सकते हैं. ठीक है, 80 करेक्टर्स आप लिख सकते हैं 25 लाइंस के अंदर अंदर, जबकि ऊपर वाले जो दो मोड्स थे वो आपको इतनी लंबी कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था. इसके बाद जी बेटा आपके पास आ रही है स्क्रीन स्टेटमेंट. स्क्रीन स्टेटमेंट जो होती है ना, स्क्रीन मोड सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है. हमने तीन तरह के मोड्स पढ़े हैं, टेक्स्ट, मीडियम रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन. अब मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कौन सा मोड होता है, हमारे पास टेक्स्ट मोड लगा होता है. तो टेक्स्ट मोड जब हमने ग्राफिक ड्रॉ करने, तो जाहिर है हमने क्या करना होता है, या हमने मीडियम रेजोल्यूशन में ड्रॉ करने होते हैं या हमने हाई रेजोल्यूशन में ड्रॉ करने होते हैं. ठीक है, तो इसको वो टेक्स्ट मोड को मीडियम में चेंज करने के लिए या टेक्स्ट मोड को हाई रेजोल्यूशन में चेंज के लिए जोन सी स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है वो होती है स्क्रीन स्टेटमेंट यूज होती है. यानी ये क्या करती है कि हमारे स्क्रीन मोड को चेंज करने के लिए यूज होती है हमारे काम के अकॉर्डिंगली. द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर अ पार्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल, द सपोर्टेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक IBM मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडॉप्टर MDPA विद मोड 0 इज यूज टू कनेक्ट ओनली टू मोनोक्रोम डिस्प्ले. अब वो कह रहे हैं कि स्क्रीन मोड आपके पास सिर्फ तब काम करेगी जब आपका कंप्यूटर या जो आपका सिस्टम है वो इस काबिल होगा कि उसको उसमें ग्राफिक ड्रॉ हो सके. बेटा ये बुक मैंने आपको पहले कहा था पुरानी है, इस वजह से उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे समझाया हुआ. अब जो कंप्यूटर्स आते हैं, जो अब जो सिस्टम है या जो आप लोग अब यूज कर रहे हैं उसमें ये मसला नहीं आता. उन्होंने कहा कि IBM ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडॉप्टर. वो जो था वो सिर्फ मोड 0 में, यानी मोड 0 रिप्रेजेंट करता है आपके पास टेक्स्ट मोड को, उसमें सिर्फ ये काम करता था क्योंकि वो मोनोक्रोम डिस्प्ले देता था, उसमें आप ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर सकते थे. इसलिए उन्होंने कहा है कि आपका जो मॉनिटर या जो आपका सिस्टम है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसमें आप लोग इजीली ग्राफिक्स ड्रॉ कर सके. प्रोग्राम रिटन फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी इन टेक्स्ट मोड. यानी प्रोग्राम जो उसमें लिखे जाते थे वो सिर्फ किसमें लिखे जाते थे, टेक्स्ट मोड में लिखे जाते थे. ना मीडियम रेजोल्यूशन में लिख सकते थे आप, ना हाई रेजोल्यूशन में लिख सकते थे. तो आपके मॉनिटर भी या हार्डवेयर आपकी इस कदर इतनी आपके कैपेबल होनी चाहिए कि वो जो है आपके पास सिस्टम में ड्रॉ कर सके. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि बुक पुरानी है तो उन्होंने उस हिसाब से बताया. जो अब कंप्यूटर आते हैं उनमें ये चीजें अवेलेबल हैं, पहले से आप इजीली ग्राफिक ड्रॉ कर सकते हैं उसमें. ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स भी अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं. प्रोफेशनल लेवल के लिए जरा हाई क्वालिटी, ज्यादा हाई क्वालिटी चाहिए होती है हमें, जिस वजह से वो चेंज करने पड़ते हैं. अदरवाइज जो आप लोग आम अपना PC भी यूज करते हैं उसमें भी ग्राफिक कार्ड काफी बेहतर क्वालिटी के लगे होते हैं आपके पास. ये पुरानी बुक थी तो इसलिए उन्होंने उसमें एग्जांपल भी उसी की दी कि मोनोक्रोम IBM ने जो अपना मोनोक्रोम डिस्प्ले प्रिंटर और अडॉप्टर कंप्यूटर बनाया था वो सिर्फ मोनोक्रोम डिस्प्ले काम करता था और वो सिर्फ उसमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करता था, कोई ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर सकते थे. अच्छा जी, अब आ रही है आपके पास स्क्रीन स्टेटमेंट का सिंटेक्स आ रहा है स्क्रीन मोड. मोड क्या है, यहाँ पे हम वो नंबर देंगे जिससे हमने कन्वर्ट होना है. ठीक है, वो स्क्रीन मोड्स आ गया. अभी हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कौन कौन से मोड्स हैं हमारे पास, वो मोड्स का नंबर देंगे और ना हम उसमें क्या हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उस मोड में एंटर हो जाएंगे. ठीक है, तो वो जिस तरह हमने मीडियम से रेजोल्यूशन, मीडियम रेजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन में जाना है तो यहाँ पे हम उस मोड का नंबर लिखेंगे. कलर स्विच क्या है कि आपने जो है अपने
कार्ड, अगर आपने कलर को चेंज करना है या उसके कलर पीछे बैकग्राउंड या ये चीजें चेंज करनी है, उसके लिए कलर स्विच यूज होता है और उसके लिए ये ऑप्शनल होता है कलर स्विच आपके पास, ठीक है। कलर स्विच लगाना जरूरी नहीं है। स्क्रीन कीवर्ड लिखना और मोड, ये लाजमी लिखना, तो आप क्या हो जाएंगे उस मोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेयर स्क्रीन मोड इज अ न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मैंने आपको कहा था यहाँ पे इनके साथ 11, 12 और 13 लिख लें। जो मेन तीन मोड है वो आपके पास है 0, 1 और 2। जो यही तीन मोड है जो आगे आप आगे एग्जाम्पल्स में भी यूज करेंगे और आगे इस बुक में भी यही पढ़ेंगे। जो 7 to 13 है ये आप लोगों ने सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी होती है और कौन कौन से कलर और क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है। इट मे बी नॉट रन ऑन ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर और मॉनिटर बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन अ डिस्प्ले कार्ड और मॉनिटर टाइप्स। डिफरेंट स्क्रीन मोड ऑफ स्क्रीन आर बिलो। उन्होंने नीचे फिर आपको बता दिए कि ये स्क्रीन मोड्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं और ये जो 7 से लेके आपके पास 13 तक थे वो इस बुक में इसलिए इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन जरा ज्यादा है तो वो उस टाइम के शायद कंप्यूटर्स पे वो काम नहीं करते थे, लेकिन 13 तक जो रेजोल्यूशन यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई है वो आम आजकल कंप्यूटर्स में हमारे मिल जाती है। इन बेसिक स्क्रीन मोड 0 इज बाय डिफॉल्ट मोड। अब स्क्रीन मोड 0 जो है वो डिफॉल्ट मोड होता है और डिफॉल्ट मोड हमने पढ़ा था कौन सा मोड होता है, हमारे पास टेक्स्ट मोड होता है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इट इज ओनली अ टेक्स्ट बेस्ड एंड इट कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मोड 1, जब हम 1 लिखेंगे स्क्रीन 1 तो हमारे पास कौन सा मोड एक्टिवेट हो जाएगा, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, और ये इसकी रेजोल्यूशन हमारे पास होती है 320 × 200 pixels। और जब स्क्रीन 2 लिखेंगे हम मोड आपने नहीं लिखना, जब आप लिखेंगे ना उसको एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने खाली लिखना है स्क्रीन 2। मोड सिर्फ यहाँ पे एज अ वर्ड यूज हो रहा है आपके पास, ठीक है, मोड आपने यूज नहीं करना। स्क्रीन मोड 2 एक्टिवेट हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड और हाई रेजोल्यूशन की आप ये पीछे पढ़ा है 640 × 200 pixels इनकी क्वालिटी होती है। अब नीचे ये आपके पास डिफरेंट स्क्रीन मोड्स और उनकी आगे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन। इसमें से जो बेटा पहले चार है ना ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए पहले चार स्क्रीन मोड। इसके बाद जो 8 से लेके 13 तक है इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये किसकी इतनी रेजोल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन मोड स्क्रीन 8 आपको क्या चीज कितनी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो फर्स्ट 4 है ये आपने क्वेश्चन में साथ लाजमी लिखने हैं, ठीक है। 0 जो होता है वो हमारे पास टेक्स्ट मोड होता है, इसमें हम ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके पास स्क्रीन 1 जो है वो हमारे पास 3 उसकी पिक्सल होती है, यानी स्क्रीन 1 जो है ये हमारे पास मीडियम रेजोल्यूशन होता है। मीडियम रेजोल्यूशन हमें किस तरह पता चल रहा है, इसकी ये पिक्सल की क्वालिटी देखे 320 × 200। पीछे जहां हमने मोड्स पढ़े हैं उसमें भी मीडियम रेजोल्यूशन की क्या क्वालिटी थी हमारे पास 320 × 200। इसमें सिर्फ कितने कलर्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं 0, 1, 2, 3। इसके बाद मोड 2 जो है वो हमारे पास 640 × 200 जो रेजोल्यूशन थी वो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड ये देखे हमें प्रोवाइड कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन सा मोड है, ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है और ये सिर्फ 2 कलर्स प्रोवाइड करता है हमें, ब्लैक और व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कोई कलर हमें प्रोवाइड ये नहीं करता। इसके अलावा आप नीचे आ जाएं, स्क्रीन 7 जो है वो हमें मोड 7 वो 320 × 200। अब 320 × 200 आपको इसकी पिक्सल क्वालिटी से पता चल रहा है कि ये कौन सा मोड है आपके पास, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है। लेकिन ये क्या है कि स्क्रीन जो 1 थी पिक्सल क्वालिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन स्क्रीन 1 जो है वो हमें सिर्फ 4 कलर्स प्रोवाइड कर रहा था जबकि स्क्रीन 7 जो है वो हमें 16 कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। और स्पॉट पेजेस, स्पॉट पेजेस का क्या मतलब था कि हमें मल्टीपल पेजेस भी स्पॉट करता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पेज पे हम काम करें, इस पे हम मल्टीपल पेजेस पे भी काम कर सकते हैं। और ये स्क्रीन मोड जो 7 है ये सबसे यूजफुल मोड था। उसी तरह स्क्रीन 8 है उनकी रेजोल्यूशन में ये आप देख रहे हैं कि 640 × 200 आपको पता चल रहा है ये हाई रेजोल्यूशन है और ये 16 कलर्स तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन कोई पेज स्पॉट नहीं कर रहा। उसके बाद इसी तरह क्वालिटी ज्यादा होती जा रही है, उन्होंने आगे आपको बताया हुआ कि कौन कितने कलर्स प्रोवाइड करता है और किस तरह से हर एक का काम होता है, ठीक है। ये थी हमारे पास बेटा स्क्रीन स्टेटमेंट के, जब भी हमने अपनी स्क्रीन को शिफ्ट करना होता है किसी में अपने दूसरे मोड में हाई रेजोल्यूशन या मीडियम रेजोल्यूशन में, तब हम स्क्रीन स्टेटमेंट को यूज करते हैं और आगे उसका मोड नंबर देते हैं। और साथ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मोड स्क्रीन 2 यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2 कलर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, ब्लैक और
व्हाइट, और अगर हम वन यूज कर रहे हैं तो हमें फोर कलर्स को प्रोवाइड कर रहा है, और अगर हम सेवन यूज कर रहे हैं तो 16 के 16 कलर्स भी सपोर्ट कर रहा है, और हमें क्या कर रहा है, पेजेस भी सपोर्ट कर रहा है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ वन और टू में उन्होंने दी हुई, स्क्रीन वन और स्क्रीन टू में, तो हम उसी में ज्यादा अपना काम भी परफॉर्म करेंगे। बाकी जो आपने ये टेबल एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, उसके बाद बेटा ये जो 6.1 कलर टेबल है ये मैंने आपको कहा था कि आपने याद करने हैं, आप में से बच्चों ने याद किए हुए थे एक दफा रिवीजन में दोबारा, आज दोबारा नाश्ते के साथ चार चार खाने में और चार रात के खाने में इसको भी याद करके सो जाइएगा, ठीक है। सिर्फ ये नंबर और कलर याद करने हैं, बाकी आपने ये चीजें याद नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।